बीच मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की ट्रॉलिंग का किस्सा भी लगातार सुनने को मिला। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए। ऑर्थर रोड जेल में हैं। फिलहाल बुधवार तक के लिए आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। और इन सबके बीच मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपने आप से जुड़ा विवाद खुद ही खत्म कर लिया है। आप सब जानते हैं पान मसाला ब्रांड के एक विज्ञापन को लेकर बिग बी लगातार ट्रॉलर्स के निशाने पर थे। और अब बिग बी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा ऐलान करते हुए अपने आप को इस विज्ञापन से अलग कर लिया है। बिग बी ने पान मसाला कंपनी के साथ प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही पान मसाला के ब्रांड को लेकर जो प्रचार के लिए पैसे अमिताभ बच्चन को मिले थे वो पैसे भी उन्होंने वापस कर दिए हैं। पान मसाला ब्रांड के प्रचार को लेकर बिग बी लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। फैंस बिग बी के फैसले से निराश थे और अब बिग बी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस विज्ञापन से अपने आप को अलग करने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन कार्यालय की ओर से एक ब्लॉग जारी किया गया जिसमें बताया गया है इस विज्ञापन के प्रसारण के कुछ दिन बाद बिग बी ने ब्रांड से संपर्क किया और बीते सप्ताह इससे अलग हो गए। बच्चन जब इस ब्रांड से जुड़े थे उन्हें नहीं पता था कि ये विज्ञापन प्रतिबंधित उत्पाद से संबंधित विज्ञापन के तहत आता है। अमिताभ बच्चन ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया है। प्रचार के लिए जो राशि उन्हें मिली थी वो भी वापस कर दी है। आपको बता दें बीते दिनों एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन ने बिग बी से अपील करते हुए उनसे कहा था पान मसाला ब्रांड को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का हिस्सा ना बने। फैंस ने भी बिग बी से लगातार ये कहा कि अपने आप को इस ब्रांड से अलग करें और आखिरकार अमिताभ बच्चन ने वही कर लिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।